Welcome to SN Chaudhary Physics classes. Today I am going to discuss chapter atoms. Atoms chapter ko aaj hum discuss karne ja rahe hain. Aap sabhi bachchon ka BD Gurukul mein swagat hai. Abhi bhi yahan par lockdown hi hai. Institution ke liye educational institution abhi bhi band hi hai. Jiske karan main whiteboard ya blackboard par class nahi de pata hoon. और इसी कमी को दूर करने के लिए हमने कंप्यूटर पीसी यूज किया है, जिसके आधार पर हम क्लास दे रहे हैं। अब आप सभी बच्चों के बारे में एटम्स के बारे में हम बता रहे हैं, और ये यूनिट 8 है। यहाँ पर एटम के बारे में सबसे पहले सभी बच्चे जानते हैं, जैसे व्हाट इज एटम। एटम के बारे में सबसे पहला कंसेप्ट 1808 में जॉन डाल्टन ने दिए थे। जॉन डाल्टन ने जो एटम का कंसेप्ट दिए, दैट इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। इसी आधार पर यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें क्या क्या लिखें, किस किस फैक्ट की हमें ज़रूरत है, इन सारी बातों को यहाँ पर मुझे ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन पर चलते हैं बेटे। आप सभी बच्चों को कहते हैं, जितने टॉपिक्स हम करा देते हैं ऑल ओवर इंडिया में, किसी भी बोर्ड में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, जहां इंटरमीडिएट काउंसिल हो, चाहे ISC हो, चाहे प्लस टू सिलेबस हो, सभी को ये कवर करते हैं। और ये लिखा कैसे जाता है पेपर में, सबसे बड़ी बात है, ये हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें इंट्रोडक्शन में व्हाट इज एटम, एटम किसे कहते हैं, तो सबसे पहले एटम का हम डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, व्हिच इज इंडिविजिबल एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज इट इज क्वाइट रिएक्टिव। मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और जो एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब यह है, जैसे आप एटम रख देते हो तो मॉलिक्यूल जैसे रखा रहता है, एटम ऐसे रखा नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये कोई नहीं मिलेगा तो अपने ही दूसरे एटम से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में आ जाते हैं। इस तरह से हम एटम को डिफाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर व्हिच इज इंडिविजिबल एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज इट इज क्वाइट रिएक्टिव। इसे हम दूसरे ढंग से इसी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एज इट इज क्वाइट रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। दिस थ्योरी, सेकेंड पॉइंट में देखो बेटा, दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय जॉन डाल्टन्स इन 1808। परंतु ये थ्योरी कब तक वैलिड रहा, दिस थ्योरी वॉज वैलिड टिल 1897 व्हेन जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1897 एंड ही शोड that an atom is divisible। और ये थ्योरी 1808 में दिया गया, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और ये 1897 तक ये वैलिड रहा, तब तक इस थ्योरी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 1897 में जॉन डाल्टन ने के स्थान पर जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, और उनका कंसेप्ट था एन एटम इज डिविजिबल, एन एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं और उसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब इससे क्या हो गया, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यहाँ पर फेल हो गए, और इसके बाद प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, तब तो बाद में पता चला आज भाई एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं कई तरह से। अब यहाँ पर जब शुरुआत हुई 1897, तो आपके सिलेबस के हिसाब से थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम आते हैं। तो इन्होंने कैथोड, यहाँ पर देख लो बेटे, इन्होंने जे थॉमसन ने कैथोड ट्यूब में
लो प्रेशर पर 0.01 mm ऑफ मरकरी प्रेशर डाला, 10,000 वोल्ट डाला और उनसे कैथोड से रेज निकलते हैं जिसको हम कैथोड रेज कहते हैं। और कैथोड रेज इज मेड अप ऑफ टाइनी निगेटिवली पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अब जब द थॉमसन से लोगों ने पूछा, आपने कह दिया कि भाई एटम डिवाइड कर सकते हैं और इसके भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर एटम का मॉडल कैसा होगा, मीन्स एटम दिखने में कैसे लगेंगे, किस तरह से वो बने हुए हैं, जिसको हम फेमस हो गया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय जे जे थॉमसन इन 1898। इन्होंने 1907 में डिस्कवर किया और इन्होंने अपना कंसेप्ट रखा, जिस कंसेप्ट को हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जे जे थॉमसन इन 1898। अकॉर्डिंग टू, इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्डर 10^-10 m, इन विच इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन्होंने कहा जो एटम जो होता है ये पूरी की पूरी पॉजिटिव स्फेरिकल बॉडी है जिसमें टोटल मास इसका और टोटल पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। इंटायर मास एंड इंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फेयर ऑफ स्फेरिकल एटम। फिर उन्होंने क्या कहा, इनसाइड दिस स्फेयर, इस स्फेयर के भीतर, इनसाइड दिस स्फेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन वाटर मेलन और लाइक प्लम्स इन पुडिंग। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सच, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सच दैट देयर निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, दस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन्होंने कहा पूरा का पूरा एटम, देखो बेटा आप लोगों ने देखा होगा वाटरमेलन जिसको हम तरबूज कहते हैं, तो तरबूज के बीच से यदि आप हाफली हाफ हाफ कट कर दो तो उसमें पूरी की पूरी रेड कलर दिखते हैं, और रेड कलर जो है फ्लैशी पार्ट जो है उसी के भीतर ब्लैक कलर के सीड लगे होते हैं। और इसी तरह से थॉमसन ने कहा जब जैसे वाटरमेलन है वैसा ही एटम का साइज है जिसका रेडियस 10^-10 m के बराबर है, और पूरा पूरा जो फ्लैशी पार्ट देखते हो बेटे, इसी फ्लैशी पार्ट को उन्होंने कहा ये टोटल टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ फैले हुए हैं और टोटल मास भी इसी में है, इलेक्ट्रॉन इसके भीतर इम्बीडेड होते हैं मीन्स बीच बीच में सेट रहते हैं। इस तरह से इन्होंने अपना विचार दिया। और एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन के आधार पर नीचे ये डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, इसमें जितने पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण उतना ही पॉजिटिव होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है आपको न्यूट्रल होते हैं। और इस तरह से इन्होंने दिया था, आपसे पेपर में आ जाते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। एटम के बारे में जे जे थॉमसन ने कौन सा कंसेप्ट दिया, कौन सा विचार दिया, कौन सा मॉडल दिया, ये आप लिखिए। साथ साथ अब इसके बाद इसी में आज के डेट में जोड़ देते हैं, राइट लिमिटेशन, लिमिटेशन मीन डिसएडवांटेज या राइट फॉल्स फैक्ट। अब इसके आधार पर डिसएडवांटेज क्या है इनका, लिमिटेशन कहाँ पर है, देख लो। लिमिटेशन ऑफ जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम वर द फॉलोइंग। पहला लिमिटेशन देखो बेटा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। जब एटम के भीतर से मान लो रेज निकलते हैं हाइड्रोजन एटम के भीतर से, तो वहाँ पर स्पेक्ट्रम बनते हैं जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो गया था, तो ये ओरिजिन कहाँ से आते हैं, ये स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ से आते हैं, इसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, जो हमने ऑब्जर्व कर लिए थे एक्सपेरिमेंटली। अब जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है उसको आपका थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ये इनका लिमिटेशन हो गया। सेकेंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। साथ साथ इन्होंने कहा था
जो है पूरा का पूरा एटम के भीतर स्फेयर है, जिसमें टोटल मास है और प्लस चार्ज फिक्स है। अब टोटल मास प्लस चार्ज फिक्स है तब तो पूरा एटम जो है एक सॉलिड बॉडी हुआ। लेकिन जब इसके ऊपर से अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डे कराया गया तो अल्फा पार्टिकल को रुक जाना चाहिए टकरा के। मान लो ये एटम है, सॉलिड है, तब तो टकरा के यहाँ रुक जाता। लेकिन अल्फा पार्टिकल यहाँ टकरा के रुकते नहीं है, बल्कि कई अल्फा पार्टिकल आर पार चले जाते हैं, कुछ लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हो जाते हैं। इस बार ऐसा क्यों होता है? जब पूरा एटम सॉलिड है तब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके आधार पर इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज, हाँ इसके आधार पर ये हो गया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम थिन मेटल फॉइल्स एज ऑब्जर्व बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे, रदरफोर्ड यानी हिज कोलैबोरेटर्स ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो भाई उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग किया, देखा गया क्या कि अल्फा पार्टिकल बहुत सारे तो आर पार चले जाते हैं, बहुत कम मात्रा में अलग अलग एंगल पर ये स्कैटर्ड हो जाते हैं और 8,000 में से एक रिफाउंड हो जाते हैं। इसको ये एक्सप्लेन नहीं, ऐसा क्यों होता है? जब पूरा पूरा एटम सॉलिड है तो पूरा टकरा कर रुक जाना चाहिए, आर पार नहीं होना चाहिए या एंगल से स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। तब जाके रदरफोर्ड ने अपना थ्योरी दिया, एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन दिया, जो आपको कहलाते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। अब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखो बेटा, अब आपके पेपर में आ जाते हैं स्टेट एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या पेपर में आ जाते हैं डिस्क्राइब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसी के ऊपर इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है ये बताओ, या कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। इन सब के बारे में कई सारे क्वेश्चन आ गए। और जब कोई नया डिस्कवरी होता है तो वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट इसके पीछे लग जाते हैं, देखें जी भाई क्या हो रहा है। तो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब ये जो पेपर में आ जाते हैं तो इसको आपको देखो केवल पैराग्राफ की तरह लिख दोगे तो उस पर टीचर वही 3 में से 2, 2.5, 1, 1.5 इस तरह से डालते हैं। आपको इसे सब हेडलाइन करके डालना है। तो हेडलाइन में आपने क्या डाल दिया, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसका पहला पॉइंट हमने इंट्रोडक्शन में डालो। अब जितना हेडलाइन होगा तो हर एक हेडलाइन के ऊपर टीचर का नजर जाएगा। यू हैव टू अट्रैक्ट योर टीचर, आपको टीचर को अपने कॉपी की तरफ अट्रैक्ट करना है जिससे कि वो पढ़े। इसमें इंट्रोडक्शन हमने डाल दिया, इट इज एन इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट व्हिच लेड रदरफोर्ड टू डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मेन समरी क्या हो गया, इसके आधार पर रदरफोर्ड ने, ये इतना इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसके आधार पर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए। इसलिए पहला पॉइंट दिया, इट इज एन इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट व्हिच लेड रदरफोर्ड टू डिस्कवर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अब इसी के बाद ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड हिज टू एसोसिएट्स एच जीजर एंड ई मार्सडन, इन दो साइंटिस्टों की मदद से, एसोसिएट्स की मदद से, इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम थिन फॉइल्स एंड ऑब्टेंड एन इम्पोर्टेंट इंसाइट इन टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन्होंने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसी में देख लो, रदरफोर्ड के सजेशन पर इन्होंने अपने एसोसिएट्स क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराओ, इसके लिए उन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया जिसका थिकनेस करीब करीब 10^-10 मीटर के अप्रोक्सीमेट रखा गया। इसके ऊपर उन्होंने अल्फा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आया, जो आपके आगे बताते हैं इसमें क्या रिजल्ट आया। अब देख लो बेटा, एक्सपेरिमेंट ऑन अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल, पेपर में इन्होंने आपको दो तरह से लिखना है बेटा। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, यहाँ पर लेड कैविटी है जिसके भीतर रेडियो एक्टिव, उस समय तक अल्फा पार्टिकल यह सेपरेटली नहीं डिस्कवर हुए थे, लेड कैविटी है जिसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स रखा हुआ है। यहाँ से जो रेज निकलते हैं, जो अल्फा पार्टिकल रेज है, इसको हम कॉलीमेटर कहते हैं, कॉलीमेटर से पास करते हैं। और ये हमारा गोल्ड फॉइल है जिसका थिकनेस 10^-10
8 मीटर रखा गया। अब इसके पीछे ये स्क्रीन है, जेडएनएस का बना हुआ स्क्रीन है, जब इससे अल्फा रे पार्टिकल टकराते हैं तो इस पर चमक प्रोड्यूस होता है। इन्होंने इसी आधार पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप किए, अल्फा पार्टिकल निकला। देखा गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है आर पार चले जाते हैं, कुछ कुछ खास एंगल पर स्कैटर हो जाते हैं, कुछ इधर स्कैटर हो जाते हैं, तो ये रिबाउंड कर गया। तो रिबाउंड हो गया, 8,000 अल्फा पार्टिकल जब गिरते हैं तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंड भी हो जाते हैं, जिधर से आया उधर ही लौट गया। आपको ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाना है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप को दिखाने के लिए ये भी आपका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग किए हैं, जो उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल देखो अलग अलग एंगल पर ये डाइवर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसी को ऐसे भी डायग्राम में हम दिखाते हैं। ये डायग्राम इसके हो गए इस तरह से, तो आपको डायग्राम बना देना है और डायग्राम के बाद आपको पॉइंट वाइज जैसे लिखना है कैसे। देखो देखो पॉइंट में ये डिस्क्राइब करना है, तो कहानी नहीं बनाना है पॉइंट में। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज्ड बाय जीजर्स एंड मार्सडन इज शोन इन फिगर 1 एंड 2। फिगर 1 और 2 दोनों फिगर बना देना है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इसमें और क्या है, द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लाइक बिस्मथ 83 जिसका एटॉमिक नंबर है, 214 जिसका एटॉमिक मास है या मास नंबर है, इज इनक्लोज्ड इन अ थिक लेड ब्लॉक प्रोवाइडेड विथ अ नैरो ओपनिंग। ये एक कैविटी के भीतर रखा गया जिसमें एक छोटा सा ओपनिंग है, खुला जगह है जहां से पार्टिकल्स निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल फ्रॉम दिस सोर्स आर कॉलिमेटेड इनटू अ नैरो बीम थ्रू अ नैरो स्लिट। अब यहाँ पर नैरो बीम से जाएगा, तो आगे में हमने एक कॉलीमेटर रख दिए थे। कॉलीमेटर यहाँ पर देख लो, ये कॉलीमेटर है। कॉलीमेटर का मतलब जितने भी बीम निकलेंगे उसको ये स्ट्रेट लाइन में कर देंगे, इनसे सीध में आने वाले उनको ये पार होने देंगे, टेढ़े मेढ़े यहीं रुक जाते हैं, इसी को कहते हैं कॉलीमेटर। कॉलीमेटर का लिख दिया आपने, और कॉलीमेटर के बाद बीम इज अलाउड टू फॉल ऑन। नाउ थर्ड पॉइंट, अल्फा पार्टिकल सोर्स आर इनटू नैरो बीम थ्रू अ नैरो स्लिट। द बीम इज अलाउड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉयल ऑफ थिकनेस 2.1 × 10⁻¹⁷ मीटर। उस समय जो उन्होंने लिया था गोल्ड का 10⁻²⁰ × 10⁻¹⁷ मीटर थिकनेस गोल्ड लिया, इसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल गिराया। अब उसके बाद रिजल्ट क्या हो गया देख लो। द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन आर ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ रोटेटेबल डिटेक्टर व्हिच कंसिस्ट ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर देख लो बेटा डायग्राम में, यहाँ पर जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ गिरते हैं किस एंगल पर कितना अल्फा पार्टिकल रखा है, तो ये माइक्रोस्कोप है, और ZNS स्क्रीन पर करते हैं तो चमक प्रोड्यूस होता है, जिस चमक की मदद से माइक्रोस्कोप के द्वारा हम रिकॉर्ड करते हैं कि कितने एंगल पर कितना अल्फा पार्टिकल गिर रहा है। अब आपके यहाँ तक ये एक्सपेरिमेंट देख लिया आपने। अब देखो इसके आधार पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया, तो ऑब्जर्वेशन के लिए लिखते समय यहाँ पर हम फिर एक दो डायग्राम बना रहे हैं। देखो ये तो आपको उन्होंने उनका कंसेप्ट जो था एटॉमिक का, देखो ये एटम का कंसेप्ट है हमारे पास, एटम का ये कंसेप्ट है, तो इस पे इन्होंने क्या किया, इधर से सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल बहुत सारे देख लो आर पार जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ एंगल रिबाउंड हो रहे हैं, और 8,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल जिधर से आए उधर ही लौट रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटर दिखा दिया। और यहाँ पर कितने एंगल पर किस एंगल पर कितना अल्फा पार्टिकल्स टर्न होते हैं उसको इन्होंने यहाँ ग्राफ बनाया। इस ग्राफ के आधार पर ये थ्योरेटिकली प्रेडिक्शन और एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पर ये इन्होंने बनाया। अब देखो इसके आधार पर इन्होंने क्या कहा, व्हेन अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द स्कैटरिंग एंगल थीटा एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा, हमने थीटा एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं उनके बीच में, और
एंगल के बीच में, व्हेन वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन स्कैटरिंग एंगल थीटा एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एनी एंगल थीटा फॉर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वी ऑब्टेन अ ग्राफ शोन इन फिगर। ये आपने यहाँ नोट कर दिया। अब ग्राफ के आधार पर आपको क्या क्या पता चलता है? द ग्राफ रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट्स। ग्राफ ने इन फैक्ट्स को बताया। पहला फैक्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल और सफर ओनली ए स्मॉल डिफ्लेक्शन। देखा गया जितने अल्फा पार्टिकल हम बम्बार्डिंग करते हैं तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो है आर पार हो जाते हैं और कुछ उसमें से डिफ्लेक्ट होते हैं तो बहुत स्लो छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट देख लो, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अबाउट वन इन 8,000, 8,000 में से वन अल्फा पर, मान लो 8,000 अल्फा पार्टिकल आपने गिराया, एक उसमें से गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 और मोर, वो 90 डिग्री या उससे बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। ओकेजनली देख लो थर्ड पॉइंट में, ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल गेट्स रिबाउंडेड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल सफरिंग ए डिफ्लेक्शन ऑफ नियरली 180 डिग्री। और इसी तरह से 8,000 से ज्यादा अल्फा पार्टिकल पर कोई कोई अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से रिबाउंड कर गया, रिफ्लेक्ट हो गया, जिधर से आया और उधर ही रिबाउंड होके चला गया। अब इस रिजल्ट से जो सिग्निफिकेंस क्या है, इस रिजल्ट से उन्होंने क्या कंक्लूजन किया, क्या विचार दिया? रदरफोर्ड कंक्लूडेड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एन एटम। रदरफोर्ड ने एटम के बारे में ये फैक्ट्स दिए। एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। अब फॉइल में तो बहुत सारे एटम्स हैं, तो देखा गया मोस्टली अल्फा पार्टिकल पास जाते हैं, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम मस्ट बी एम्प्टी। अब देख लो, जे जे थॉम्सन ने कहा था जब पूरा पूरा एटम सॉलिड है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई मोस्टली एटम जो है खाली है, जिससे आर पार इसके कारण चला जाता है। इसी पॉइंट को लिखा है, एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल सो मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम मस्ट बी एम्प्टी। एटम के भीतर मोस्टली स्पेस जो है खाली है। टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, लार्ज एंगल पर क्यों स्कैटर्ड होते हैं, रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया, रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट ऑल पॉजिटिव एंड द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द एटम। भाई देखो इतना बड़ा एटम है, मोस्टली आर पार चले गए, केवल उसमें से 8,000 में से एक रिबाउंड हुआ, कहने मतलब वहां मास है। इसी आधार पर रदरफोर्ड ने कहा भाई इनकी पूरी एटम का जो मास है बीच के एक सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, जिस सेंटर को उन्होंने न्यूक्लियस कहा, इसी में उनका टोटल चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज भी कंसंट्रेटेड है, टोटल मास भी कंसंट्रेटेड है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, और फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन हुज टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस सो दैट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इस आधार पर उन्होंने कहा कि भाई देखो पूरा एटम का, ये इतना बड़ा मान लो एटम है, तो सेंटर पर उसका मास है और पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। अब कितना इलेक्ट्रॉन घूमते थे, जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है उतना ही न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों मिलके इक्वल और अपोजिट है, जिसके कारण एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस आधार पर उन्होंने ये थॉट दिए। अब इसके बाद देखो बेटा, इसी आधार पर यहां तक हमने आपको बता दिए रदरफोर्ड का क्या क्या सिग्निफिकेंस था, सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट ऊपर जो उन्होंने पढ़ा था, इस आधार पर इन्होंने जो भी बताया, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये लेक्चर वन है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसी एक्सपेरिमेंट का हम इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, आपके एक्सप्रेशन फॉर रेडियस क्या है, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी क्या है, ये सब हम बताएंगे। तो ये एटम का पहला लेक्चर है, मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे इसको लर्न कर लोगे, और पेपर में भी ऐसे ही एग्जामिनेशन में लिखना है जैसा मैंने आपको नोट करा दिए हैं।
यदि किसी बच्चे को मन में वहम हो जो नोट अच्छा है या खराब है, तो अपने स्कूल के टीचर से जाके मिलो भाई, उनसे कहो सर हमने ये लिखा है, अब इस कैसा लगेगा। तो इसलिए ये सारे बच्चे हमने YouTube पर हम इसको डाल देंगे, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। आपका लाइक सब्सक्राइब करने से मुझे एक करेजमेंट मिलता है, जैसे कि मैं आगे भी बनाता रहता हूँ आपके पास। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम लेक्चर 2 देंगे, जिसमें इम्पैक्ट पैरामीटर ये सब हम बताएंगे आगे, डाल्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये सब बचे हुए हैं। तो ये 3-4 लेक्चर लगते हैं तो पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो ये लेक्चर पहला है, और देखो बेटा इसी से ध्यान में दोगे, अभी से आप ध्यान में दोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत हल्का लगेगा। फ्री में आपको 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, आराम से आपके मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू टू एवरीवन।